भैंस को बुढ़िया को पूछने वाला कौन है? राहुल गांधी क्यों इसको घास देंगे? इसको ऐसा क्यों लगा कि राहुल गांधी मुझे फ्लैंक किस कर रहे हैं? हेमा मालिनी विश्व सुंदरी इतनी सुंदर कि लोग देखें तो उनकी नजरें टिक जाए, हेमा मालिनी को तो नहीं लगा कि हमें राहुल गांधी फ्लैंक किस कर रहे हैं? इस कबारन भैंस को किसने फ्लैंक किस किया भाई? ये ऐसा ख्वाब क्यों देख रही है कि राहुल गांधी तीन दिन जिसके घर में तीन दिन प्रधानमंत्री, उनका पोता इस भैंस को फ्लैंक किस कर रहे हैं? ये किस ख्वाब में चल रही है? इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो स्मृति ईरानी ने तो वहाँ ऐसे भड़की कि जैसे स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से खुद प्यार हो गया है कि राहुल गांधी लोगों को फ्लैंक किस क्यों बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया है कि मैं हिंदुस्तान में प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ और खोल चुका हूँ। तो स्मृति ईरानी को भड़कने की इसमें क्या जरूरत है? स्मृति ईरानी कहती है राहुल गांधी को चरित्रहीन। स्मृति ईरानी अपने देश में बेटियों का रेप हो, बलात्कार हो, हत्या हो, उस पर मुंह नहीं खोलती है। और राहुल गांधी को, जबकि उन्होंने ऐसा किया भी नहीं, अगर वो फ्लैंक किस देते तो वहाँ कैमरे में आता आता? ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, पूरा कैमरा ये लोग दिखा रहे हैं, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने स्पीकर से कोई बात कर रहे थे तो स्मृति ईरानी ने तो वहाँ ऐसे भड़की कि जैसे स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से खुद प्यार हो गया है कि राहुल गांधी लोगों को फ्लैंक किस क्यों बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया है कि मैं हिंदुस्तान में प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं और खोल चुका हूं। तो स्मृति ईरानी को भड़कने की इसमें क्या जरूरत है? स्मृति ईरानी कहती है राहुल गांधी को चरित्रहीन। तो मैं स्मृति ईरानी को कहना चाहती हूँ, मतलब राहुल गांधी को खानदान पे उंगली उठा रही हैं और राहुल गांधी को चरित्रहीन कह रही हैं, तो स्मृति ईरानी बेशर्मी को, भैंस को, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले अपने चरित्र को देखो, अपने चरित्र के बारे में सोचो, राहुल गांधी के ऊपर बाद में उंगली उठाना। तुम खुद चरित्रहीन हो, जो तुम्हारे घर में खाने की रोटी नहीं थी, तुम्हें कपड़े पहनने का कपड़े नहीं था, रहने का कहीं ठिकाना नहीं था, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, तुम्हारी सहेली अपने घर में रखी, तुम्हारा मददगार बनी, तुमने उसके साथ धोखा किया कि वो तुम्हारे घर में तुम्हारी सपोर्टर बनी, धोखा नहीं किया, शादी की, तुम उसके साथ, उस अपनी सहेली के साथ तुमने धोखा किया कि जो तुम्हारी सहेली थी उसको तुमने सौतन बना लिया, उनके आदमी से तुमने शादी करके उस घर में एंट्री की और उस बेचारी को जिसका घर था उसको घर से बाहर। तो स्मृति ईरानी को शर्म आनी चाहिए कि ज़्यादा ये अपने को सती अनसुईया ना बने और ना अपने को विश्व सुंदरी बने। इस भैंस को बुढ़िया को पूछने वाला कौन है? राहुल गांधी क्यों इसको घास देंगे? इसको ऐसा क्यों लगा कि राहुल गांधी मुझे फ्लैंक किस कर रहे हैं? हेमा मालिनी विश्व सुंदरी इतनी सुंदर कि लोग देखें तो उनकी नजरें टिक जाए। हेमा मालिनी को तो नहीं लगा कि हमें राहुल गांधी फ्लैंक किस कर रहे हैं? इस कबारन भैंस को किसने फ्लैंक किस किया भाई? ये ऐसा ख्वाब क्यों देख रही है कि राहुल गांधी तीन दिन जिसके घर में तीन दिन प्रधानमंत्री, उनका पोता इस भैंस को फ्लैंक किस कर रहे हैं? ये किस ख्वाब में चल रही है? इसको कोई पूछने वाला नहीं है, ये सपना देखना भूल जाए। कितनी सुंदर है, कभी सास भी कभी बहू में काम करती थी क्या बात? ये जिंदगी भर हेरा फेरी वाला काम की है स्मृति ईरानी, नाटकों में भी हेरा फेरी वाला काम और वही हेरा फेरी वाला काम है असल जिंदगी में भी। हो सकता, मैं तो पहले ही बोल दी कि कहीं स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से प्यार तो नहीं हो गया, जो इसकी धड़कन बढ़ रही है कि वो आके सांसद में फ्लैंक किस दे रहे हैं। अरे तेरा क्या जा रहा है? तेरे तरफ राहुल गांधी ने देखा भी नहीं, तुम्हें राहुल गांधी पूछे भी नहीं। हेमा मालिनी इतनी सुंदर, हेमा मालिनी को पता ही नहीं चला? हेमा मालिनी कह रही है नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, अपमान किया महिलाओं का पार्लियामेंट के अंदर। क्यों, वो दूसरे के पति हड़प के बैठ जाए, वो अपमान नहीं है? पर्सनल क्या है, वो किसी के आदमी को हड़प के बैठ जाए वो उसका अपमान नहीं है? और राहुल गांधी के ऊपर उसकी नजरें टिकी है, इससे तो साफ जाहिर है कि वो 24 घंटे उसकी नजरें राहुल गांधी पे टिकी होती है। राहुल गांधी ने अभी शादी नहीं की है ना, तो उसी भैंस को बुढ़िया को ही राहुल गांधी मिलेंगे क्या? राहुल गांधी के लिए एक आवाज राहुल गांधी अगर उठा दें तो हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां करोड़ों की संख्या में लाइन में लग जाए राहुल गांधी से शादी करने के लिए। कह रहे हैं ना, तो इसको किस ख्वाब में स्मृति ईरानी चल रही है मेरे समझ में नहीं आता। ये अपने को क्या समझ रही है? ये रिजेक्ट माल है अब। अच्छा, रिजेक्ट माल है। ये रिजेक्ट माल है, अब ये सपना देखना। ए भाड़ में गई महिला बाल विकास की मंत्री। बेटियों का रेप होता है, बेटियों का बलात्कार होता है, बेटियों को मार दिया जाता है। हमारी हिंदुस्तान की बहन बेटी को, फौजी की बीवी को नंगे घुमाया जाता है। ये बेशर्मी अपना मुंह नहीं खोलती अपना मंत्रालय बचाने के चक्कर में, तो बोलती है ना, गुलामी करने के चक्कर में, कुर्सी बचाने के चक्कर में ये मुंह नहीं खोलती। और राहुल गांधी का अगर इसको जरा सा कुछ
दिख जाए। हाँ। ये तो ऐसे चिल्लाएगी सांसद में कि जैसे भैंस खूंटे में बांधी जाती है, तोड़ के भागती है। हाँ। उस हिसाब से ये नौटंकी करती है। बॉडी शेमिंग ना करें आप, बॉडी शेमिंग ना करें, अपमान कर रही हैं आप। नहीं, किस ख्वाब में है, इनके अंदर है क्या, ये सपना देख रही है। राहुल गांधी ने मुझे फ्लैंक किस किया, क्या सपना देख रही है। ये रिजेक्ट माल है, अब इस हिंदुस्तान की रिजेक्ट माल है। और हिंदुस्तान की महिलाओं से सुनिए, ये क्या कार्रवाई करेंगी, अभी इनका दिल नहीं भरा कार्रवाई करने से। इस बेशर्मी स्मृति ईरानी का अभी दिल नहीं भरा कार्रवाई करने से। हाँ। अब तो शर्म कर लें, अब तो मुंह पे काला पोत लें, अब तो मुंह पे गुंगे का पट्टी लगा लें। हाँ। क्या कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई किसी बेटी के लिए कार्रवाई नहीं होगी, नंगे घुमाई जाए महिलाएं कार्रवाई नहीं होगी। हाँ। देश का अपमान होगा कार्रवाई नहीं होगी। हाँ। भारत माता की हत्या होगी कार्रवाई नहीं होगी। महिलाओं का बेटियों का रेप होगा कार्रवाई नहीं होगी। हत्या हो, मोदी जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, विपक्ष सुन नहीं पाया, उठ के चले गए बायकॉट करके। मोदी जी की वो कहानी है। हाँ। एक द्रौपदी के राज में। हाँ। अंधा राजा था। हाँ। जो चीरहरण हुआ था, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री अंधा राजा है, जो हमारी बेटियों का चीरहरण हो रहा, हमारी बेटियों का खुलेआम नंगे घुमाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा, अंधा राजा। हाँ, एक पहले अंधा राजा था। हाँ। जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। हाँ। आज इस देश का अंधा राजा है कि जिसके शासन में हमारी बहन बेटी नंगी घुमाई जा रही है। हाँ। 12-12 साल की लड़कियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। भारत माता की तो हत्या की जा रही है। हमारी बहन बेटी जो हमारे देश की आन मान शान है, हमारी देश की जो इज्जत है, उनकी इज्जत भाजपा सरकार में नहीं है। मोदी जी कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, खैर प्रधानमंत्री ने हकीकत बोल दिया था। कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती है, बनावट के फूलों से। हाँ। तो ये मोदी जी के मुंह से सच्चाई तो निकली थी। आप मोदी जी का अपमान करते करते प्रधानमंत्री कह देना। यार जिसके राज में। हाँ। हमारे समझ से तो रावण के भी राज में नंगी महिलाएं नहीं घुमाई गई होंगी। हाँ। हैं? हाँ। रावण के भी राज में नंगी महिलाएं नहीं घुमाई गई होंगी। हाँ। और इनके राज में हमारे देश में नंगी महिलाएं घुमाई जा रही है। ना प्रधानमंत्री को शर्म है, ना स्मृति ईरानी को शर्म है, ना ये आपके जितने प्रवक्ता हैं अनुराग ठाकुर, ये आपका संबित पात्रा, ये तो बस मुंह खोलेंगे तो अंगार ही उगलेंगे। हाँ। इसके सिवाय देश के ना तो इनके नौकरी के टेंशन। हाँ। ना इनके शिक्षा की टेंशन। हाँ। ना इसके बिजनेस की टेंशन। हाँ। ना युवाओं के भविष्य का टेंशन। हाँ। इनको टेंशन है तो सिर्फ एक जहर उगलने का। हाँ। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, तो इसके सिवाय कुछ। पहले उन्होंने मोदी सरनेम का अपमान कर दिया तो सजा हो गई थी, अब उससे बरी हुए, अब बरी होते ही तुरंत उन्होंने फ्लाइंग किस कर दिया, तो क्या हो गया? फ्लाइंग किस करना कोई गुनाह है? किसको फ्लाइंग किस किए? नहीं फ्लाइंग किस, अरे यार फ्लाइंग किस करना कोई गुनाह है? हाँ। बताओ ना, अगर हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। हाँ। तो माँ बाप को भी फ्लाइंग किस करते हैं। हाँ। अपनी बहन बेटी को करते हैं, भाई को करते हैं, वहाँ भी करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? जबकि राहुल गांधी ने किया नहीं। हाँ। लेकिन स्मृति ईरानी तो को ही जवानी याद आ रही है, सुनो। हाँ। स्मृति ईरानी को। हाँ। वो पुरानी अपनी जवानी याद आ रही है कि जो अपनी सहेली की आदमी को इन्होंने पति बनाया था, उसके घर गृहस्थी उजाड़ा था, उसके पति को हड़पे थे, अब ये बुढ़िया हो चुकी है, रिजेक्ट है, अब इनको कोई नहीं पूछता, चुपचाप अपना कुर्सी बचा लें। हाँ। अपना मंत्रालय बचा के रखें। हाँ। चुपचाप अपनी लीडरी करें, बाकी इनको कोई पूछने वाला नहीं है, खाली पीली ख्वाब देख रही है कि राहुल गांधी जैसे लोग इनको फ्लैंक किस कर रहे हैं। अगर आप अब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि स्मृति ईरानी को प्यार हो गया है। हाँ। ए भड़क गए कि पूरा संसद सर पे उठा के रख लिए। हाँ। राहुल गांधी ने फ्लैंक किस किया, अरे बाबा तुम्हें ही दिखाई दिया क्या? हेमा मालिनी इतनी सुंदर वहाँ बैठी है, हेमा मालिनी को नहीं दिखाई दिया, और अंतरी मंत्री सांसद बैठी है उनको नहीं दिखाई दिया, सोनिया उनकी मम्मी बैठी है उनको नहीं दिखाई दिया, बस ये वो मैंने बोल दिया ना कि इनको अपनी जवानी याद आ गई कि आज शायद मैं जवान होती तो राहुल गांधी मुझे लाइन देते। अच्छा। हाँ, आज इनको कोई पूछने वाला नहीं थे, उसी ख्वाब में चल रही। राहुल गांधी को हरा के आएंगे पार्लियामेंट में? सब वो क्या हराएंगी, उनकी क्या औकात है हराने की। हाँ। बस पब्लिक के अंदर कुछ था। हाँ। जो पब्लिक कुछ चेंजिंग चाहती थी। हाँ। पब्लिक ने चेंजिंग करके आप पछता रही है पब्लिक। हाँ। जाके आपकी हरा के दिखाएंगी ना, इनका वो भी ख्वाब देखना। राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए ना। राहुल गांधी शादी करें उनका दिल करेगा, जब तक दिल करेगा नहीं करेंगे। हाँ। ये भाजपा के लोगों को क्या पता है, अगर इनकी बेटियां कुंवारी बैठी हैं तो भी बता दें। हाँ। कि हमारी बेटियां कुंवारी हैं इसलिए हम परेशान हैं कि राहुल गांधी शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। हाँ। ये क्यों परेशान है? तो राहुल गांधी को टेंशन नहीं। हाँ। सोनिया गांधी को टेंशन नहीं। हाँ। प्रियंका गांधी को टेंशन नहीं। हाँ। कांग्रेसियों को टेंशन नहीं। हाँ। भाजपा के लोगों को आफत आ रही है, राहुल गांधी फ्रैंक किस कर रहे हैं, राहुल गांधी शादी कर लो, क्या आफत है भाई? भाजपा के लोग तो ये भी कह रहे हैं नेता की मनमोहन सिंह 90 साल के हो गए, उनको पार्लियामेंट में ले गए तो बैठा दिया वहाँ, इतने बुजुर्ग इंसान को ले गए। ना ये बुजुर्ग पसंद करें है। हाँ। ना ये जवान पसंद करें। हाँ। ना ये बच्चों को पसंद करें, ना ये लड़कियां पसंद करें, तो प्रधानमंत्री जी आप किसको पसंद करोगे? हाँ। मैं तो हाथ जोड़ के पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं से अपील करती हूँ। हाँ। कि भाजपा से सावधान हो जाएं। हाँ। स्मृति ईरानी से सावधान हो जाएं। हाँ।
प्रधानमंत्री देश का अंधा प्रधानमंत्री से सावधान हो जाएं और हमारी बहनें अपने 17-18 साल के बच्चों से लेकर 25 साल बच्चों तक अपने बच्चों पे निगरानी रखें कि हमारा बच्चा घर से बाहर निकल रहा है तो कहीं आरएसएस के चक्कर में तो नहीं है, कहीं बजरंग दल के चक्कर में तो नहीं फंस गया, कहीं भाजपा के चक्कर में तो नहीं फंस गया कि इनको पार्कों में तलवार भाजना सिखा दें, लाठी चार्ज करना डंडा भाजना सिखाएं। जो भाजपा के लीडर हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़े, विदेश से पढ़ के आए तो अफसर बने, मंत्री बने, एमएलए बने। हमारे बच्चों को 5 किलो राशन दिया जाता है, गरीब पब्लिक को 5 किलो राशन में उनको तलवार भाजना सिखाना, लठ चलाना सिखाना उन बच्चों को सिखाया जा रहा है जिनकी मम्मियाँ जाके कोठियों में बर्तन माजती हैं, कोठियों में झाड़ू पोछा करती हैं, फैक्ट्रियों में जाके काम करती हैं, उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों की जिंदगी ना बर्बाद करें। आपका समय आएगा 24 में, आप चलते बनेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को बर्बाद ना करें। और देश के महिलाओं से अपील है कि सावधान हो जाएं, अपनी बेटियों को अपने बेटों पर नजरानी रखें। और सन 2024 में नरेंद्र मोदी जी की विदाई, और इनकी विदाई का अभी से मैं बधाई दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।